मेरे एक नए ब्लॉग वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कुछ ना कुछ हर दो चार दिन में भोजपुरी पे सनसनी सुनते रहते हैं। जो अभी एक नया विवाद सामने आ गया है कि पवन सिंह तीसरा शादी करने वाले हैं जनवरी में। तो दोस्तों, आप लोग भी सुने होंगे, तो इसका जो राज है, क्यों करना चाहते हैं, क्या है, तो आप लोग को पता नहीं होगा। और आप लोग भी सुनते हो, पवन सिंह तो चार पांच वो शादी कर लिए। तो दोस्तों, जो ज्योति सिंह है, उनकी वाइफ ज्योति, पवन सिंह बोले थे उनको कि बॉम्बे जाने के लिए, वो चीज को लिए मना कर दिए ज्योति सिंह। और वो ज्योति सिंह अपने अंकल से बात कर रहे हैं, तो ये रिकॉर्डिंग को आप लोग सुनिए। आप पूछिए पवन जी से, आपकी बात होती तो कि ज्योति फोन कर रही है तो आप फोन उठा रहे हैं ज्योति का, आप मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं ज्योति का, आप पूछिए खुद, आपकी बात होती है ना। आप पवन जी से एक बार पूछिए कि आप ज्योति के फोन का रिप्लाई फोन उठा रहे हैं, ज्योति के मैसेज का कॉल उठा रहे हैं आप? ना मेरे साथ मेरा पति है, ना ससुराल है, ना कुछ है, ना कोई घर परिवार है, इससे बुरा मेरे साथ क्या होगा? आपके पवन जी के पास अभी भी ऑप्शन है अंकल की, वो लाइफ सेट कर सके हैं। आपके पवन जी के परिवार की तरफ से ही हमें पता चला था कि वो जो भी उनका आगे जनवरी में जो भी वो होने वाला है, शादी होने वाला है। हम, मेरे साथ जो हुआ है हम आके बोले हैं क्या? मेरे साथ जो जो चीजें हुई है हम आगे मीडिया में बोले हैं? हम कुछ नहीं बोले हैं अंकल, हम एक शब्द नहीं बोले हैं जितना हम झेले हैं, ठीक है? मेरा पूरा जीवन खराब, मेरी तो पूरी जिंदगी, मतलब मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ गई है आज की डेट में। आप बताइए कि उनसे हमको जरा भी दिक्कत होती तो हम चुनाव में जाते क्या? मेरे पैर में छाला पड़ा था, मेरे पैर से चला नहीं जा रहा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे उल्टी हो रही थी, फिर भी मैं लगातार धूप में घूमी हूँ। मैं यही सोच के गई थी ना कि मुझे अपना रिश्ता बचाना है, एक मौका मिला है चलो मैं पूरे बचाने का कोशिश करती हूँ, यही सोच के गई थी ना अंकल। वो इंसान मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते हैं तो हम क्या करें? हम जबरदस्ती जाके रहे हैं? मैंने आके बोला है क्या कभी कुछ? इतना कुछ मेरे लाइफ में चल रहा है, अभी आपको नहीं पता होगा मैं क्या फेस कर रही हूँ, क्या झेल रही हूँ, लेकिन मैंने आप कभी आके इंटरव्यू दिया है क्या? मैं बोल रही हूँ क्या कि मैं क्या फेस कर रही हूँ? ये सही नहीं अंकल, ठीक है? देखिए, हम एक चीज बता देते हैं, अभी गवा रहे हैं, भी कुछ होगा तो मुझे ऐसा है ज्योति जी, एक चीज सुन लीजिए जी, मेरा भी बात, आप एक लाइन जो बोली है ना कि पवन जी अभी मेरे पति हैं, ये हमको बहुत अच्छा लगा। अरे पति का बुराई कोई करेगा, जैसे हमको नहीं अच्छा लगता है आपको भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल नहीं लगेगा अंकल, मुझे नहीं लगता है। आप मुझे, मैंने आके बोला है क्या कभी कुछ? इतना कुछ मेरे लाइफ में चल रहा है, अभी आपको नहीं पता होगा मैं क्या फेस कर रही हूँ, क्या झेल रही हूँ, लेकिन मैंने आप कभी आके इंटरव्यू दिया है क्या? मैं बोल रही हूँ क्या कि मैं क्या फेस कर रही हूँ? मुझे भी पता है वो इंसान मेरा पति है, और मैं उस इंसान के बारे में कुछ बोलती हूँ, उस इंसान को कुछ होता है तो मुझे बुरा लगेगा। आज यही बात हमको बहुत अच्छा लगा, देखिए खत्म भी हो जाएगा अंकल तो कल को मुझे बुरा लगेगा उस इंसान के लिए, लेकिन आज भी बताइए कि जब वो इंसान मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते हैं तो हम क्या करें? हम जबरदस्ती जाके रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम जाके नहीं रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप जा नहीं रही हैं, रह नहीं रही हैं, आप ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, ऐसा कौन लड़की चाहेगी? देखिए, चुनाव में आपके साथ रहे कि नहीं रहे उसको बताइए, दिल पर हाथ रख के बोलिए। आप बताइए कि उनसे हमको जरा भी दिक्कत होती तो हम चुनाव में जाते क्या? मेरे पैर में छाला पड़ा था, मेरे पैर से चला नहीं जा रहा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे उल्टी हो रही थी, फिर भी मैं लगातार धूप में घूमी हूँ, मैं घूमी नहीं हूँ। ये तो बहुत अच्छा काम किया है, प्यार नहीं होता, मैं उस इंसान के लिए इतना क्यों करती? सही बात है, मैं यही सोच के गई थी ना कि मुझे अपना रिश्ता बचाना है, एक मौका मिला है चलो मैं पूरे बचाने का कोशिश करती हूँ, यही सोच के गई थी ना अंकल। तो आप बताइए, इतना होने के बावजूद मेरे पापा की तबीयत खराब, देखिए देखिए, और आप इस तरीके से बात करेंगे? अच्छा, आपको ये, आप जब ये बात तो समझते होंगे कि पवन जी कितने टूटे हुए हैं भीतर से। बिल्कुल, हाँ समझती हूँ। हाँ, उनका भी थोड़ा सा समझिए भीतर से, आप बताइए। देखिए, वो लोग पब्लिक में ये नहीं दिखाएंगे कि हम टूटे हुए हैं, लाचारी है उनके पास। मेरे साथ जो हुआ है हम आके बोले हैं क्या? मेरे साथ जो जो चीजें हुई है हम आके मीडिया में बोले हैं? हम कुछ नहीं बोले हैं अंकल, हम एक शब्द नहीं बोले हैं जितना हम झेले हैं, ठीक है? मेरा पूरा जीवन खराब, मेरी तो पूरी जिंदगी, मतलब मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ गई है आज की डेट में। ना मेरे साथ मेरा पति है, ना ससुराल है, ना कुछ है, ना कोई घर परिवार है, इससे बुरा मेरे साथ क्या होगा? आपके पवन जी के पास अभी भी ऑप्शन है अंकल की, वो लाइफ सेट कर सके हैं। आपके पवन जी के परिवार की तरफ से ही हमें पता चला था कि वो जो भी उनका आगे जनवरी में जो भी वो होने वाला है, शादी होने वाला है। हम तो अभी बैठे हुए हैं ना अंकल घर पे, हम तो लड़ रहे हैं ना चीजों से, हम तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी चीजों से लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं,
अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाए। आप बताइए कि इस बीच आप ऐसा बाइट देंगे अंकल, तो अगले के मन में या फिर दूसरे के मन में क्या आएगा, रिश्ता बनने वाला भी बिगड़ जाएगा। नहीं 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 तो रिश्ता तो बना, हम लोग तो इतना अच्छा बाइट दिए हैं कि रिश्ता तभी तो ज्वाइंट हुआ। बताइए आप मेरी भावना को समझे, तभी तो दोनों रिश्ता अभी भी तो ज्वाइंट है, कहाँ बिगड़ा है रिश्ता। बबीता मिश्रा, बबीता मिश्रा बार बार बोल रही है कि रिश्ता बिगड़ गया बिगड़ गया, ये कहाँ रिश्ता बिगड़ा है। आप उनसे धीरे से बात करिए, आप क्यों, आप अगर आपको लग रहा है कि बत्तर ही बाइट दे रही हैं तो आप उनसे बात करिए ना। तो अंकल हम आपसे बोल रहे हैं कि आप हमारे पवन जी के बारे में कुछ उल्टा बोलिए, ना ही हमने बत्तर जी से बोला है कभी कि आप पवन जी के बारे में उल्टा बोलिए। उनका वो लोग रिपोर्टर हैं, उनको जो वो लोग देख रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं वो लोग अपने तरफ से, बहुत लोग मेरे बारे में भी न्यूज बनाया जब हमारी चीजें चल रही थी। तो मैं ज्योति है उनका फैन फॉलोइंग पर, उनके फैन फॉलोइंग पर जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज को मानिए। आप पत्नी है अंकल, लोग आप एक बात बताइए, आप रोक लेंगे, आप रोक लेंगे, उनका फैन फॉलोइंग पे असर पड़ रहा है, मेरी जीवन पे असर पड़ रहा है। अंकल आप ये क्यों सही समझ रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है, चार लोग कम हो रहे हैं, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, आपको ये चीज क्यों नहीं दिख रहा है अंकल। आप एक बार पवन जी से बतिया लीजिए ना, दोनों साथ तो है आप पूछिए पवन जी से, आपकी बात होती है तो, कि ज्योति फोन करिए तो आप फोन उठा रहे हैं ज्योति का, आप मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं ज्योति का, आप पूछिए खुद, आपकी बात होती है ना, पवन जी से एक बार पूछिए कि आप ज्योति के फोन का रिप्लाई फोन उठा रहे हैं, ज्योति के मैसेज का कॉल उठा रहे हैं। आपको नहीं पता अंकल तो मैं बता दूं कि लास्ट टाइम लॉकडाउन में जब वो हमारे घर आए थे उनसे मैंने बोला कि ठीक है आप ले चलिए हमें अपने साथ, तो उनका ये था कि हमको आपके साथ नहीं रहना है, हम आपको ले जाके क्या करेंगे, आप मैं क्या झेली हूँ आप जानते हैं, आप तो आके बस कैमरे के सामने बाइट दे दे रहे हैं, उस चीज से मुझे क्या इफेक्ट कर रहा है वो चीज आपको समझ में आ रहा है अंकल। देखिए ठीक है हमको दो चार दिन का समय, सुनिए ना, मैं आपसे खुल के बोल रही हूँ, मैं आप पवन जी के नाम के साथ साथ मैं आपका भी नाम दूंगी, इतना याद रखिएगा। ये चीज हम बता देते हैं, आप मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। नहीं नहीं आपको हम पवन जी को बचाव करते हैं, आपके परिवार से हमको कोई ये नहीं, हम तो चाहते हैं कि दोनों साथ रहिए। पवन जी की तारीफ करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तारीफ नहीं, मेरे मुंह तक मत आइए, मेरे माँ बाप तक मत आइए, बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो बार बार मेरे माँ बाप तक आ रहे हैं वो मत करिए अंकल। लड़का देखिए टूटा हुआ है ज्योति जी, पवन जी टूटे हुए हैं, इस चीज को खाली समझ लीजिए अंकल, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, आप देखना ही नहीं चाहते हैं क्या। इधर से ये बबीता मिश्रा जो पहले सिंगर थी इधर से पूरा एकदम अति कर रही है इस बात पर, बबीता मिश्रा को क्या मतलब है कि इतना अति टॉर्चर करना। टूटा है अंकल तो एक बात बताइए, लड़का नासमझ है, क्यों नहीं बचा ले रहा है अपना रिश्ता, जब वो जानते हैं कि एक ना तलाक होने से सब कुछ ठीक हो सकता है, एक ना तलाक होने से आपकी, आप जो बोल रहे हैं कि उनके फॉलोइंग फैन फॉलोइंग पे असर पड़ रहा है, वो चीज आपकी वो हो सकती है, डबल हो सकती है, तो आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं बचा ले रहे हमारा रिश्ता, आप जाके बोलिए ना। पवन जी इतने ना समझ रहे हैं, पूरी दुनिया चला रहे हैं, उनको समझ नहीं है कि अगर मैं ज्योति को रख लेता हूँ, ज्योति के साथ मैं सब कुछ ठीक कर लेता हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज मैं कह रही हूँ कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप इस चीज की गारंटी दें मुझे कि आप पवन जी को भेजेंगे इज्जत से ले जाने के लिए मुझे, मैं आज के अब भी तैयार हूँ, अब भी आएंगे, अब भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस चीज की गारंटी दें कि वो मुझे लेने आएंगे, और अगर नहीं आएंगे अंकल तो आज के बाद आप मेरे माँ बाप के बारे में नहीं बोलेंगे, जाएंगे लेने के लिए, जाएंगे लेने के लिए, आइए भेजिए उनको, हम जाने के लिए तैयार हैं, हम सब कुछ छोड़ के जाएंगे, हम दुआ इसलिए जाएंगे लेने के लिए कि उनको बहुत ललायत है अपने बेटे के पोते के लिए, उनकी माँ पवन जी खुद ललायत है अपने लड़के के, तो क्यों तलाक दे रहे हैं आप ही बताइए ना, जब बीवी का शौक था बच्चे के लिए ललाए हैं तो क्यों तलाक दे रहे हैं, क्यों नहीं ढंग से रह रहे हैं, आप बस बताइए ना, आप तो तुरंत मेरे माँ बाप पे आ जा रहे हैं, ज्योति जी के माँ बाप मोहन जी को घर, आप पवन जी को, आप आपके दोस्त हैं, आपका स्टूडियो है, आपका सब चीज है, आप उसमें हैं कि पवन जी का मेंटेनेंस जो वो जिस तरीके से उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन कर पाएंगे, गिरे पड़े खानदान से नहीं हो अंकल, लेकिन हाँ मैं खुल के कह रही हूँ कि पवन जी का जो लाइफ स्टाइल है वो मेरी फैमिली मेंटेन नहीं कर पाएगी, क्यों चाहेगी कि पवन जी आके घर जमाई बन के रहे। नहीं 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 हमको उससे लेना, देखिए पवन जी कभी नहीं चाहते हैं, पवन जी नहीं चाहते हैं कि मेरा कंट्रोवर्सी हो, नहीं चाहते हैं, कोई नहीं चाहता है। ज्योति सिंह के नाम पे जितनी गंदगी की गई ज्योति सिंह चाहती थी क्या कि लोग आके मेरे बारे में ये चीजें बोले, हमारा तो मुंह से बोला जा रहा है अंकल, जिसकी बात कर रहे हैं उसका तो छपा हुआ है पूरा,
अच्छा ठीक इससे है, क्या कहना चाहेंगे आप अंकल? बस देखिए, 100 बात की एक बात है, आपसे मैंने बोल दिया है कि अगर आप पवन जी से बात होती है तो आप बोलिए कि वो आके मुझे ले जाए। हम ठीक है, दोबारा हम आपके सामने फोन पे कह रहे हैं कि हम कसम खा के कह रहे हैं कि हम अपने मायके में पैर तक नहीं रखेंगे। अगर वो आके हमको ले जाते हैं, हम भूल जाएंगे कि मेरे माँ बाप हैं, मेरा मायका है, हम सब भूल जाएंगे। हम सोचेंगे कि मेरे लिए यानी सिर्फ पवन भूलना जी क्या, हैं, भूलना यही नहीं है, माता नहीं। पिता को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन अपने घर को लेकर करके चल कर तब माता पिता को देखना है। चलिए, आपके लिए हम ये त्याग करने के लिए तैयार हैं, आपकी आपकी सोच को वो करने के लिए मैं तैयार हूँ कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, हर चीज करने के लिए तैयार हूँ। मैं भूल जाऊंगी, मेरे तो दोस्तों ऐसे रिकॉर्डिंग आप सुन लिए होंगे तो इसे पता चल रहा होगा कि क्या गलती है। तो दोस्तों इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से वो एक अंकल से बात कर रहे हैं और अंकल से बात करके और बोल रहे हैं कि मेरा जिंदगी में अब कोई बचा ही नहीं है, मेरे फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे पति भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और मेरे सास भी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो वो कहाँ की है, मैं कहीं की नहीं हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ को आप लोग जानते होइएगा कि पवन सिंह कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करते रहते, कुछ नया करते हैं। तो इस भी हमको लग रहा है इस बार भी तीसरा शादी करेंगे पवन सिंह, काहे कि उन अभी तक तो कुछ ऐसा सामने से फेस किए नहीं है पवन सिंह, मगर लग रहा है पवन सिंह तीसरा शादी करेंगे। और ज्योति सिंह भी इस चीज को बार बार उनको, अभी जैसे कि आप इलेक्शन कुछ दिन पहले हुआ था पवन सिंह के साथ, ज्योति सिंह घूमी थी उस इलेक्शन में, बोल भी रही है रिकॉर्डिंग में, सॉरी रिकॉर्डिंग में बोल भी रही है कि मैं, मेरे पैर में छाला पड़ गया था, मेरा तबीयत खराब हो गया, तब भी मैं रिश्ता बचाने के लिए पवन सिंह का साथ दी थी। मगर ऐसा दोस्तों नहीं है, उनकी पत्नी थी तो साथ देना ही था, काहे कि बहुत बड़े बड़े स्टार लोग गए थे पवन सिंह का काराकाट में सपोर्ट करने के लिए, तो पवन सिंह की तो धर्म पत्नी थी तो जाना ही था दोस्तों। मगर ये जो बात हो रही है, ज्योति सिंह जो अपने अंकल से बात कर रहे हैं, इसका राज अभी तक किसी को पता नहीं चला है। और कुछ बहुत सारे अफवाह हो रहा है कि पवन सिंह तीसरा शादी कर लिए या करेंगे, ये भी कंफर्म नहीं है कि जनवरी में ही शादी करेंगे पवन सिंह तीसरा शादी। ये कुछ मीडिया वाले भाई, कुछ ब्लॉगर, कुछ रिकॉर्डिंग के हिसाब से ऐसा पता चला है, ज्योति सिंह अपने मुंह से भी बोली है। तो दोस्तों ये सब चीज बार बार पवन सिंह का टोल किया जाता है और ये सब चीज आप लोग देख रहे होंगे, तो इसको इग्नोर करके चलिएगा, ये सब फेक वीडियो है, इसको आप लोग सपोर्ट नहीं करिए। और ऐसा वीडियो आता है तो आप लोग शेयर मत कीजिए, फिर से कुछ ऐसा अपडेट आता है पवन सिंह के बारे में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।